झारखंड में अब तक गौ सेवा आयोग की पहचान एक अनुदान देने वाली संस्था के तौर पर ही रही है। झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के नए सदस्यों ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और इसकी व्यवस्था में सुधार के प्रयास तेज कर दिए हैं। आयोग की बैठक में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्णय किया गया है। यहाँ के गौ पालकों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य की पहचान गौ संरक्षक और संवर्धन के रूप में हो। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि गौशालाओं में रखे जाने वाले मवेशियों के लिए खुराक की 100 रुपये प्रति दर से बढ़ाकर 150 रुपये दर कर दिया गया है। वहीं गौशालाओं के अंदर देसी नस्ल के गाय में वृद्धि के लिए नंदी के लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए 200 रुपये प्रति दर कर दिया गया है। आने वाले नए साल में गौपालकों को एक नए प्लेटफॉर्म दिलाने की कोशिश होगी। हम उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करें ताकि इस राज्य की जो पहचान है वो एक गो संरक्षक और गो संवर्धक राज्य के रूप में हो सके, और बहुत सकारात्मक सहयोग हमारे जो गौशाला संचालक समिति के लोग हैं लगातार आप देख रहे हैं कि समाज के सहयोग से ही गौशालाएं शानदार तरीके से संचालित हो रही हैं, और आगे हम लोग और बेहतर किस प्रकार से चीज़ों को कर सके तो सरकार ने जो हम दोनों को जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी के तहत हम लोगों ने कुछ वायदे किए थे। जो आयोग की बैठक हुई बहुत लंबे अंतराल के बाद पूर्ण आयोग का गठन हुआ, और उस आयोग के गठन के बाद जो चंद निर्णय हम लोगों ने लिए थे आयोग ने गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ उन निर्णयों को साझा करने के दृष्टिकोण से आज ये बैठक बुलाई थी, और आप इन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इन बैठकों के माध्यम से हम लोगों ने आज इस बात को कहा कि जो हमने वादा किया था कि जिस प्रकार से जो हमारे गोवंश का जो लालन पालन हो रहा है उसमें जो कहीं दिक्कतें आ रही हैं उसको हम किस प्रकार से दूर करना चाहते थे, तो सरकार से हम लोगों ने मांग रखी थी आयोग के बैठक के जरिए कि जो उनको भोजनादि मद में पैसे दिए जाते थे पहले ये बहुत ही कम था, प्रतिदिन 50 रुपये के दर से उनको पैसे मुहैया कराए जाते थे, उसको हमारी ही सरकार ने सकारात्मकता के तहत पिछले वर्ष 100 रुपये किया था, और जब हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया तो प्रादेशिक गौशाला संघ के आग्रह पर और जो गौशाला संचालक समिति के पदाधिकारी हैं उनके आग्रह पर हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया कि जो दिक्कत या दुश्वारियां आ रही हैं उनको दूर करते हुए प्रतिदिन 150 रुपये के मद से इस राशि का भुगतान हो, और इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मंत्री जी ने संचिका को हस्ताक्षर कर दिया है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। प्रतिदिन 200 रुपये के दर से नंदी को भी भोजनादि मद में हम लोग राशि आयोग के माध्यम से देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो एक चेहरा था आयोग का उसको बदलते हुए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक क्लिक में गौशालाओं की स्थिति, उनका पूरा डेटाबेस, और जो हमारा महती योजना है जो जन सहयोग जन सरोकार से कि इस राज्य के अंदर गौ सेवा की इच्छा रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, एक महती योजना जो है हमारी गौ माता हमारा दायित्व, साल 9 वर्ष में हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे, तो वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव में है, उसकी भी जानकारी हम लोगों ने आज गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ साझा किया कि क्या क्या जो एक पूरा सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है उसकी क्या जानकारी हमको चाहिए, और बहुत जल्द इसके अलावा रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी एनजीओ के साथ हम लोग एमओयू करके अलग अलग किसान परिवारों को किस प्रकार से समृद्ध बनाया जाए, साथ ही साथ जेएसएलपीएस के माध्यम से भी ग्रामीण विकास विभाग से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारी सखी मंडल के सदस्यों को इस काम में लगाएं ताकि किसान परिवार जो है समृद्धि की ओर हो, और एक महती योजना हम लोग गो ग्राम शक्ति योजना लेकर के आ रहे हैं जो हम सीधे सीधे गौशाला से किसान परिवारों का किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो ताकि यह राज्य समृद्धि की ओर जाए और गौ माता हमारे राज्य की समृद्धि में सहयोगी बने और उनसे आमदनी किस प्रकार से किया जाए, साथ ही साथ जो गौ काष्ठ का निर्माण है उसकी दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गोबर निर्मित जो वस्तुएँ हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से 15 दिनों का हम लोग निःशुल्क वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाले हैं, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रमंडलों में कांजी हाउस के बारे में भी आप लोगों ने चर्चा सुनी, जिस प्रकार से आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं,
गोवंश हमारे सड़कों पर मिलते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, लोगों की परेशानियों का सबब बनते हैं, तो उनको भी दूर करने के लिए नगर विकास विभाग से हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जो एक प्रथा थी कांजी हाउस की उसको फिर से इस राज्य में बहाल कर सकें, इस राज्य के अंदर गौमुक्ति धाम की स्थापना हो, इस राज्य के अंदर पशु चिकित्सालय की स्थापना हो और गौशालाओं को स्थायी तौर पर चिकित्सकों को मुहैया कराते हुए उनकी जो टीक औषधि हैं, दवाइयां हैं, उसको किस प्रकार से गौशालाओं को दिया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया और उसको हम लोगों ने अमली जामा पहनाने का काम किया है, बहुत जल्द सभी गौशालाओं को एक हाईमास्ट लाइट भी मुहैया कराया जाएगा। डीप बोरिंग के लिए भी हम लोग कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, तो CSR फंड के माध्यम से भी हम लोग कई स्थानों पर डीप बोरिंग आदि की व्यवस्था भी करेंगे। इस बैठक में रोशन कुमार ने कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट भी दिखाए जो हमारी सोच से परे हैं। जी हाँ, उन्होंने गाय के उपले यानी गोबर से बने कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट सामने रखे जिसे हम सजावट और पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसमें 1 kg गोबर का उपयोग कर 50 से 100 प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। रुपए केजी का हिसाब से जाता है, तो हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं जिससे जो महिलाएं जो कि घर में रहती हैं तो उनको कैसे एक मतलब स्किल सिखा करके कुछ ऐसा काम दिया जा सके जिससे वो घर में बैठ कर काम कर सकें। तो इसमें हमारा क्या होता है सर कि 1 kg गोबर से हम लोग ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जो हो गया सर करीब करीब 100 पीस बना सकते हैं, और अगर 5 रुपया का कीमत इसको लगाया जाए तो 1 kg गोबर का रेट आपको 500 का अप्रोक्स में चला गया। इसको बनाने के लिए सर बहुत सारा मशीनरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होता है, हैंडमेड सब बनता है, हाथ से बनता है, साँचा रहता है इसका छोटा छोटा। महिलाओं को सिखाने के लिए सर हम लोग 15 दिन का ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी महिला अपने घर से काम कर सकती है, और अनुमान भी हम लोग जितना काम करवाए हैं तो एक महिला आराम से 200 से 300 रुपया घर बैठे कमा लेती है पर डे। तो सबसे बड़ा चीज़ हो गया कि इससे मतलब महिलाओं को कुछ काम मिल जा रहा है। दूसरा कि जो गाय दूध नहीं दे पाती है तो दूध नहीं देने के बाद मतलब उसका उपयोगिता थोड़ा कम हो जाता है, तो हमारा मकसद ये है कि दूध नहीं देने के बाद गाय गोबर हमेशा देगी, हर स्थिति में देगी, वो अपने अंतिम समय तक देगी। तो गोबर का यूज़ करके अगर हम लोग गाय को मतलब संभाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। गोबर वो पर डे देगी, उससे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना करके, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है तो अभी हम लोग 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा बनाते हैं जिसमें धूपबत्ती, समरानी बत्ती, दिया वगैरह वगैरह सब चीज़ होता है और मूर्ति वगैरह होता है। तो मतलब इको फ्रेंडली पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को दूषित ना करें। गोबर से भी रोजगार सृजन, गोबर से भी रोजगार हो सकता है सर। और दूसरा कि हम लोग जो इसको बेचने का जो हम लोग मीडियम अपनाने का चाह रखते हैं वो है कि ऑनलाइन में आजकल देखिए कि बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, इंडिया भी बहुत ही आगे चल रहा है इसमें, तो हम लोग चाहते हैं इसको ऑनलाइन में भी डालें, नॉर्मल मार्केट हाट वगैरह जो लगता है उसके थ्रू, चूँकि ये अभी थोड़ा नया प्रोडक्ट है तो लोगों में अवेयरनेस अभी क्रिएट करना है, तो अवेयरनेस पर भी काम हो रहा है सर, और आशा है कि मतलब आने वाले कुछ समय में हम लोग इसको अच्छे स्तर पे और लाकर कर सकते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर रोशन कुमार जी।